आगरा प्रशासनिक अमले की लेटल तीफी और शिथिल कार्रवाई के चलते एक कॉलोनी के कुछ परिवारों की जान पर बन आई है। पेयजल लाइन कुछ ऐसे लीकेज हुई कि बीती रात एक घर के आगे लगभग 15 फुट गहरा गड्ढा हो गया। पीड़ित कॉलोनी वासियों ने इसकी शिकायत संबंधित विभागों से की, लेकिन नतीजा ठाक के ताक तीन पात ही रहा। पीड़ित परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि सड़क में लगातार दरार आने से मकान को भी अब खतरा होने लगा है। कई दिनों से पीड़ित परिवार लगा रहा है गुहार। कॉलोनी निवासी मोहम्मद इदरीश खान ने बताया कि वह इस मामले की शिकायत कई बार कर चुके थे। पेयजल लाइन लीकेज होने से लगातार सड़क धस रही थी। इसकी शिकायत संबंधी विभाग से लगातार की जा रही थी, लेकिन स्मार्ट सिटी, जलकल, जल संस्थान और नगर निगम कोई भी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। लगातार हो रही बारिश और पेयजल लाइन के लीकेज के चलते बीती रात बड़ा हादसा हो गया। घर के आगे लगभग 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया है, जिससे मकान के गिरने का भी डर सताने लगा है, क्योंकि लीकेज पकड़ में नहीं आया है और दरारें भरती चली जा रही हैं। काफी समय से ढूंढ रहे हैं लीकेज। पीड़ित इदरीश का कहना है कि वो लगातार विभागों से सड़क धंसने व लीकेज होने की शिकायत करते रहे, लेकिन विभाग यही कहता रहा कि लीकेज ढूंढ रहे हैं। वो आज तक लीकेज नहीं ढूंढ पाए और नतीजा यह रहा कि घर के आगे इतना बड़ा गड्ढा हो गया। सपा शहर अध्यक्ष वासित निसार पहुंचे लिया जायजा। घटना की जानकारी होते ही सपा शहर अध्यक्ष वाजिद निसार भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस समस्या का जायजा लिया। लीकेज के चलते सड़क में हुए गहरे गड्ढे को देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि रात में इतनी मिट्टी धस जाना और इतना गहरा गड्ढा हो जाना बड़ी समस्या और बात है। सपा शहर अध्यक्ष वाजिद निसार ने कहा कि पीड़ित परिवार लगातार संबंधित विभाग से पेयजल लाइन की लीकेज को ठीक करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि सरकारी मशीनरी काम करना नहीं चाहती है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि वह संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दें और इस लीकेज की समस्या को जल्द से जल्द दूर कर आए, नहीं तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। दहशत में है परिवार। सपा शहर अध्यक्ष वाजिद निसार का कहना है कि इस घटना के बाद से परिवार दहशत में है और वो डर के घर में जीने को मजबूर है, क्योंकि इस गड्ढे से उनका घर ज्यादा दूर नहीं है। उनका कहना है कि जब रात में इतना बड़ा गड्ढा हो सकता है तो क्योंकि इस गड्ढे से उनका घर ज्यादा दूर नहीं है उनका कहना है कि जब रात में इतना बड़ा गड्ढा हो सकता है तो उनके मकान तक दरार भी पहुँच सकती है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। आज लतीफ कॉलोनी नंगला मेवाती के पास यहाँ पे आज एक इतना बड़ा गड्ढा सरकारी तंत्र की वजह से नगर निगम, जल विभाग, सीवर विभाग, स्मार्ट सिटी जो काम हो रहे हैं उसमें इस तरीके से इतना बड़ा फोल्ड हुआ है कि पूरी 15 फुट गहरी गड्ढा 30 फुट चौड़ा धस गया है, जिसमें हमारे इदरीस भाई का मकान भी खतरे में आ गया है। कल से राहत कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक अधिकारी और कर्मचारी उसको प्रॉपर तरीके से उस फोल्ड को नहीं ढूंढ पाए और उसका कोई समाधान नहीं कर पाए। हमारी मांग है आगरा के DM महोदय से, नगर आयुक्त से, कि इस समस्या का सारे विभाग मिलकर जल्दी से जल्दी निदान करें। इस समाधान की समस्या जो इतनी बड़ी हुई है उसको फोल्ड को ढूंढ के उसको तुरंत काम किया जाए और भविष्य में इस तरह की कोई दूसरी घटना हो ना हो इसके लिए भी अपने AJEO को लगा के चेक कर लिया जाए। कल रात को ये घटना घटी है मेरे दरवाजे के आगे। करीब 15-20 फुट गहरा गड्ढा हुआ है और 35-40 फुट गहरा गड्ढा हुआ है, जिसका मैंने सब जगह लिखित में भी कंप्लेंट दी नगर निगम में, और इसके बावजूद अभी तक इसका कोई प्रॉपर समाधान नहीं हुआ है। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये कह गए कि हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया है। मेरा मकान पूरा खतरे में है और कभी ये इसके नीचे की सारी मिट्टी इसमें गड्ढे में पहुंच चुकी है और कभी भी ये मतलब गिर सकता है। इसलिए प्रॉपर मेरा निवेदन है कि इसको तुरंत के प्रभाव से इसको समाधान कराएं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।